अगर आपके भी YouTube वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ, चाहे शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो, दोनों पे कॉपीराइट क्लेम आता है तो उसको मैं रिमूव कैसे करना, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। इजी तरीका बताऊंगा कैसे रिमूव करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हो तो उस वीडियो को आपको डिलीट बिल्कुल नहीं करना। अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपके चैनल पर जो है कॉपीराइट का क्लेम हमेशा के लिए रहेगा, हटेगा नहीं। तो आपको सबसे पहले कॉपीराइट क्लेम को हटा लेना है, उसके बाद आप चाहें तो उस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कॉपीराइट क्लेम हटाने से के बाद अगर पहले डिलीट कर देंगे तो समझ लो कि आपके चैनल पर कॉपीराइट हटेगा नहीं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइज के रिव्यू में भेजेंगे तो वो जो है कि मोनेटाइज के रिव्यू में कैंसिल हो जाएगा, वह मोनेटाइज नहीं होगा। तो इससे इस बात का ध्यान देना कि अगर आपका वीडियो कॉपीराइट में आया हुआ है तो आपको पहले कॉपीराइट क्लेम को हटा लेना है, रिमूव कर लेना है, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो। अब हटाना कैसे, मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहीं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना जो है क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आप जो है पहले आप जो यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको अपने उस चैनल से लॉगिन हो जाना जिस चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। अब यहाँ पर आपको अपने चैनल के आइकन पे क्लिक करना है। चैनल के प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू योर चैनल पर क्लिक करना है। व्यू योर चैनल पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कस्टमाइज चैनल, और उसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज वीडियो पे क्लिक करना है। मैनेज वीडियो पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए योर यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो, यहाँ पर आपका यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। आपने जितना भी जो वीडियो अपलोड किया हुआ, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, सब यहाँ पर शो करेगा। तो आपको वह वीडियो सेलेक्ट करना है जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। अगर यहाँ पर देखिए पहले आपका लॉन्ग वीडियो शो करेगा, तो लॉन्ग वीडियो पर अगर कॉपीराइट है तो लॉन्ग वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी वीडियो कॉपीराइट में है उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है या फिर शॉर्ट वीडियो पर, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो का कॉपीराइट क्लेम जो है रिमूव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे शॉर्ट वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो पर क्लिक करूँगा तो मेरा जितना भी शॉर्ट वीडियो है सब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरा शॉर्ट वीडियो सब ओपन हो गया। मेरा पहला जो वीडियो है यहाँ पर है वही जो कॉपीराइट क्लेम में है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉपीराइट लिखा हुआ, तो इस पर आप जब अपना कंप्यूटर या लैपटॉप से करेंगे इसका, जब माउस यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, माउस दिखा एरो यहाँ पर करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए ऊपर सी डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉपीराइट डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है, तो आपका यहाँ पर कितना कॉपीराइट में है सब शो कर रहा है। तो मेरा जो वीडियो 15 सेकंड का वीडियो है, जो 15 सेकंड का पूरा म्यूजिक जो इसका कॉपीराइट में है। अब आपको यहाँ पर अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, तो मोबाइल से करने के लिए आपको जो है यहाँ पर देखिए मैं उस पेज को कट कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर उसी वीडियो पे के जो है यहाँ पर पेन के आइकन पे क्लिक करना है, जिस वीडियो का आप जो भी वीडियो आपका कॉपीराइट में है उस वीडियो के पेन के आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए पेन का आइकन शो कर रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ साइड में आपका इस साइड में आपका वीडियो शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर विजिबिलिटी दिखा रहा है, तो पर्टिकुलरली ब्लॉकेट बता रहा है। उसके नीचे यहाँ पर देखिए रेस्ट्रिक्शन में कॉपीराइट बता रहा है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर फिर सी डिटेल का ऑप्शन शो कर रहा है, वही ऑप्शन यहाँ पर फिर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जब सी डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का देखिए ऑप्शन शो हो गया आपका जो भी वीडियो कॉपीराइट में। यहाँ पर देखिए 15 सेकंड का मेरा वीडियो कॉपीराइट में। मैं बताता हूँ यहाँ दो तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट एक्शन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चार ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पर देखिए पहला है इरेज सॉन्ग, दूसरा है रिप्लेस सॉन्ग, तीसरा है डिस्प्यूट सॉन्ग, चौथा ट्रिम आउट सेगमेंट है। ये जो ब्लॉकेड है इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते, तो आप तीन में से किसी को भी क्लिक करके आप जो अपना जो है कॉपीराइट का क्लेम हटा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले नंबर ये जो इरेज सॉन्ग है इस पर क्लिक करिए। आपका जो भी सॉन्ग, जितना भी सॉन्ग कॉपीराइट में होगा वो आपका सॉन्ग म्यूजिक वह जो उतना सेलेक्ट रहेगा वह उतना रिमूव कर देगा उसे। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर इरेज सॉन्ग पे क्लिक करूँगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए अब आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन शो कर रहा है, इरेज सॉन्ग और म्यूट ऑल साउंड इन द क्लेमेड सेगमेंट। तो यहाँ पर देखिए इरेज सॉन्ग करना हो तो यहाँ पर इरेज कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर म्यूट ऑल साउंड, यहाँ पर म्यूट ऑल साउंड इन द क्लेमेड सेगमेंट। तो यहाँ पर देखिए 14 सेकंड, यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट है, 14 सेकंड का जो मेरा वीडियो था 14 सेकंड का म्यूजिक जो पूरा कॉपीराइट में है। तो अब आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। सेव जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन बता रहा है म्यूट द क्लेमेड सेगमेंट, उसके बाद आपको यहाँ पर म्यूट कर देना। म्यूट जैसे ही करेंगे उसके बाद यहाँ पे वीडियो एडिटिंग प्रोसेस बता रहा है, दिस वीडियो इज टैग यू माई लिव द पेज द एंड चेक द लेटर विल बी अपडेट व्यूअर ऑन मोनेटाइज रेस्ट्रिक्शन योर चैनल हैज़ बीन प्रोसीड।
यहाँ पर देखिए द वीडियो वीडियो रिमेनिंग इज करेंटली स्टेड अंटिल प्रोसेस इन द कंप्लीट इज कंप्लीट सॉरी प्रोसेस इज कंप्लीट बता रहा है। तो अब आपको कुछ यहाँ पर करना नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको यहाँ पर देखिए यहाँ यहाँ पर कट का निशान दिया हुआ, इसको आपको कट कर लेना है। अब आपका जो वीडियो है वह कॉपीराइट आपकी जो भी म्यूजिक वीडियो है जो जितना भी म्यूजिक कॉपीराइट में होगा वह रिमूव हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना। भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।